गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन सो स्टूडेंट्स टूडेटर सेवनटीन आर फूड चैप्टर नंबर सेवनटीन आर फूड वी नीड फूड टू ग्रो हमें ग्रो होने के लिए क्या जरूरी होता है फूड फूड गिव्स अस एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले खाना खाने से हमें क्या मिलती है एनर्जी मिलती है काम करने की एनर्जी मिलती है प्ले करने के लिए एनर्जी मिलती है अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम वीक हो जाएंगे हम खेल पाएंगे नहीं हम कोई भी काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इट हेल्प इट हेल्प अस टू बी हेल्दी एंड स्ट्रांग फूड हमें हेल्दी एंड स्ट्रांग रहने में हेल्प करता है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेस हेल्थी फूड हमें डिसीजेज से भी दूर रखता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज अलग अलग टाइप के फूड होते हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट वेज में हेल्पफुल होते हैं सीरियल्स पटेटो स्वीट्स घी बटर एंड कुकिंग ऑयल गिव अस एनर्जी एनर्जी के लिए हमें कौन कौन से फूड हमें खाने होते हैं सीरियल्स खा सकते हैं पटेटो स्वीट्स घी बटर कुकिंग ऑयल एक्सेट्रा उससे हमें क्या मिलती है एनर्जी मिलती है बट स्टूडेंट्स हमें कोई भी चीज ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए कि पटेटो खाए तो रोज पोटेटो खाना है ऐसे नहीं करना है हमें बैलेंस डाइट करना है हमें सारी चीजें हमारे फूड में इंक्लूड करनी है ओके फूड लाइक पल्सेस फिश एग्स चिकन एंड मिल्क बिल्ड अप आर बोन्स एंड मसल्स दे हेल्प द बॉडी ग्रो पल्सिस होते हैं पल्सिस मतलब हम लोग जो गुजरा, गुजराती में बोलते हैं ना कठोर दाल वो सारे पल्सेस होते हैं तो पल्सेस, फिश एग्स चिकन एंड मिल्क बिल्डअप आर बोन्स एंड मसल्स अगर हम प्योर वेजिटेरियन हैं, तो हमें पल्सेस खाने चाहिए इससे क्या होता है हमारे बोन्स एंड मसल्स डेवलप होते हैं और हम नॉन वेजिटेरियन हैं, तो हमें फिश एग्स चिकन वो सारी चीजें खानी चाहिए उससे क्या होता है हमारी बॉडी ग्रो करती है हमारे बोन्स एंड मसल्स बिल्डअप होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अर्स फ्रॉम डिसीजे हेल्प अर्स इन कीपिंग हेल्थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने से क्या होते हैं डिसीजेस नहीं होते हैं हम बीमार नहीं होते हैं वो हमें हेल्दी रखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं वी शुड ईट इच टाइप ऑफ दिस फूड्स एवरी डे देर फॉर वी मस्ट ईट अ बैलेंस डायट मैम ने क्या बोला ये सारे अलग अलग टाइप के फूड हैं वो हम पूरे दिन में इंटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में हम पूरे दिन में अलग अलग टाइप्स के फूड खाते हैं अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट विच कंटेन ऑल टाइप ऑफ फूड इन प्रॉपर अमाउंट ऑल टाइप ऑफ फूड मतलब सारी चीजें हम ले लेनी चाहिए वेजिटेबल्स भी हम लेज़ लेते हैं फ्रूट्स फिर पल्सेस हमें रोज एक चीज नहीं खानी है हमारे जो हम फूड है हम दिन में चार बार फूड लेते हैं तो अलग अलग एक बार आप फ्रूट खाओ एक बार वेजिटेबल्स आप लंच कर रहे हो तो वेजिटेबल्स एंड पल्सेस खा सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर फूड खाना चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं डे हम डिन कितनी बार खाना चाहिए हमें चार बार वी इट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग मॉर्निंग में क्या करना चाहिए ब्रेकफास्ट लेकर ना चाहिए वी इट लंच एट नून नून में हम लोग क्या करते हैं स्कूल से घर जाने के बाद ये yes, हम लोग लंच खाते हैं देन वी टेक मिल्क एंड सम स्नैक्स इन द लेट आफ्टरनून शाम को चार पांच बजे मम्मा हमें फिर से मिल्क देती है ना तो उसके साथ हम थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं वी ईट डिनर एट नाइट एट ओ क्लॉक हम लोग क्या करते हैं डिनर खाते हैं। गुड फूड हैबिट्स टेक योर फूड एट प्रॉपर मील टाइम्स खाने का बेटा जो टाइम होता है उसी टाइम पे हमें खाना चाहिए लाइक like हम लोग सुबह का नया नाश्ता एट थर्टी को करते हैं तो हमें एट थर्टी को करना चाहिए देन लंच वन ओ क्लॉक करना चाहिए ऐसा नहीं है कि सुबह का नाश्ता दस बजे किया और लंच तो दोपहर को तीन बजे किया राइट right? हमें प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर मिल लेना चाहिए वॉश योर हैंड्स क्लीन बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग खाने से पहले एंड खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए हमारे हैंड्स प्रॉपर क्लीन करना चाहिए डू नॉट ईट टू मच और टू लिटर बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए हमें पिज्जा बहुत अच्छे लगते हैं हमें कोई वेजिटेबल की सब्जी हम बहुत अच्छी लगती है तो ऐसा नहीं कि हम ओवर ईटिंग कर ले और ऐसा भी नहीं कि हम एकदम कम खाए हमें प्रॉपर फूड प्रॉपर अमाउंट में लेना है इट स्लोली एंड च्यूर योर फूड वेल धीरे धीरे शांति से खाना खाई खाना चाहिए च्यू करके खाना चाहिए राइट हमें फटाफट जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए देखो ये पिक्चर में ये क्या कर रही है गर्ल हैंड वॉश कर रही है ये लड़का प्रॉपर देखो उसने बहुत अच्छे से अपनी डिश में प्रॉपर लेके खा रहा है ये देखो ये गुड हैबिट है नहीं है वाई बिकॉज उसने देखो पानी का ग्लास गिरा दिया उसके ये बाउल गिरा हुआ है ये बच्चा बाहर से स्ट्रीट फूड खा रहा है तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए इट ओनली फ्रेश एंड कवर्ड फूड हमें फ्रेश एंड कवर्ड ढका हुआ खाना ही खाना चाहिए डू नॉट बाय फूड फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स स्ट्रीट वेंडर से कभी भी कुछ भी खाना नहीं खाना चाहिए फूड सोल्ड बाय धैम कंटेन डस्ट एंड जर्म्स बाहर उन कितनी डस्ट होती है जर्म्स होते हैं वो खाने पे गिरते हैं और हम वही उसी फ्रूट हम उसी स्ट्रीट वेंडर से लेके फिर खाते हैं तो ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए रिंग्स योर माउथ एंड क्लीन योर टीथ आफ्टर ईच मील अपना अपने खाने खाने के बाद माउथ को प्रॉपर रिंग्स करना चाहिए और टीथ को क्लीन करना चाहिए ड्रिंक एट टू टेन टेन ग्लासेज ऑफ वॉटर एवरी डे रोज का कितना पानी पीना चाहिए एट टू टेन ग्लासेस राइट डोंट वॉच टीवी वाई लीटिंग फूड सारे बच्चे टीवी के सामने बैठ के खाना खाते है बच्चों को भी पता नहीं चलता है कि उन्होंने कितना खाना खाया राइट right? टीवी में इतना वो बिजी हो जाते है कि मम्मा ने कितनी रोटी रखी कितनी दाल रखी कितने राइस है वो कुछ पता नहीं चलता है तो टीवी के सामने बैठ के कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए उससे पता ही नहीं चलता है कि हमने कितना खाना खाया हमें कितनी भूख है और हमें कितना लेना है हमें डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही प्रॉपर खाना खाना चाहिए अंडरस्टैंड फॉलो द टेबल मैनर्स वाइल ईटिंग टेबल मैनर्स डेवलप करनी चाहिए खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए आप जब भी अपना फूड च्यू कर रहे हो तो मुंह में से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए मुंह बंद करके खाना चाहिए ये सारी क्या होती है टेबल मैनर्स होती है नाउ आई नो वी मस्ट ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एवरी डे सम फूड गिव्स अस एनर्जी मैम ने बोला ना एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं घी एंड वो सारे फूड्स वो एनर्जी गिविंग होते हैं सम फूड्स हेल्प अस टू ग्रो